अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। T20 फॉर्मेट में महेंद्र सिंह धोनी के विकल्प तलाशने की टिप्पणी पर टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अजित अगरकर अब माही के फैंस के निशाने पर आ गए हैं। राजकोट में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया की हार के बाद अगरकर ने कहा था कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को T20 में धोनी का विकल्प सोचने की जरूरत है। अगरकर का यह बयान धोनी के प्रशंसकों को पसंद नहीं आया। इसे लेकर ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा है। अगरकर के अलावा टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज VVS लक्ष्मण और आकाश चोपड़ा भी फैंस के निशाने पर रहे। इन दोनों ने भी धोनी को लेकर कुछ इसी तरह की राय रखी थी। फैंस ने उन्हें कहा कि धोनी पर सवाल उठाने से पहले वह अपने रिकॉर्ड देख लें। धोनी पर टिप्पणी को लेकर एक फैन ने ट्वीट किया, अजित अगरकर आपको धोनी का सम्मान करना चाहिए। धोनी को लेकर आपका कमेंट उसी तरह का है कि एक स्थानीय विधायक प्रधानमंत्री के काम को लेकर कमेंट कर रहा है। अगरकर के साथ साथ VVS लक्ष्मण और आकाश चोपड़ा को भी फैंस ने आड़े हाथों लिया है। एक फैन ने उन तीनों के धोनी पर कमेंट को मूर्खतापूर्ण बताया है। आपको बता दें कि धोनी को लेकर VVS लक्ष्मण ने कहा था कि T20 मैचों में धोनी नंबर 4 पर आते हैं, उन्हें सेट होने में ज्यादा वक्त लगता है और उसके बाद वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। राजकोट के मैच में जब विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 160 के करीब था, तब धोनी का स्ट्राइक रेट 80 के आसपास था। भारतीय टीम जब बड़े स्कोर का पीछा कर रही थी, तब यह काफी नहीं था। लक्ष्मण ने कहा था कि मुझे लगता है कि समय आ गया है कि धोनी T20 फॉर्मेट में किसी युवा खिलाड़ी के लिए जगह खाली करें। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा था कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से धोनी की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को चुना जाना चाहिए, क्योंकि भारत को दक्षिण अफ्रीका के चुनौतीपूर्ण दौरे पर जाना है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने धोनी के आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा था कि कुछ बुरे लोग उनके करियर को समाप्त होते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास उनसे जलने वाले कई लोग हैं जो उनके करियर में बुरे दिन देखना चाहते हैं। शास्त्री ने कहा था कि भारतीय टीम जानती है कि धोनी कितने काबिल हैं और ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ किसी भी आलोचना से टीम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आलोचना से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि हमारे मन में धोनी की क्या जगह है। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।